जितना अलग और खूबसूरत ये मुल्क है, उतनी ही खूबसूरत यहाँ की हर बात। ये मिट्टी के बुत, यहाँ की ये हवाएं, ये चिराग एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। जैसे कि इस मुल्क की जमीन में सैकड़ों रंग और रिवाज कैद हो। एक ही दिन में बहुत कुछ देख लिया तुमने, बहुत खूब। जब एक दिन में मैंने इतना कुछ देख लिया, तो जिन्होंने अपनी जिंदगी यहां गुजारी वो लोग कितने कमाल के होंगे ना। ऐसा क्या कमाल देख लिया तुमने? कमाल नहीं, जलाल है ये, जज्बा या जिगर जो कहे, बेमिसाल था वो। देवता ज्यूस के बेटे और उसकी पूरी फौज के सामने अकेला खड़ा था, अपनों के धोखा देने के बाद भी अपने मकसद से भटका नहीं। उसने अकेले शाही एशिया को इतना नुकसान पहुंचाया कि उसे मरता देखने के लिए शाह को खुद पानी में कूदना पड़ा। पोरस कमाल का सिपाही था, जितना सोचा उससे कई कदम आगे। सिपाही वो बड़ा होता है जो जंग जीतता है रॉक्से। मुझे जिंदा देखकर और उसे अपनी जान से हारता देखकर तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि असली सूरमा कौन है। तुम्हारी तकलीफ क्या है रॉक्से? देखो इन आंखों में, क्या इनकी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पाती? जरूरत से ज्यादा पास आने पर घुटन होने लगती है शाह। अपने जज्बात की जोर आजमाइश करके आप हमारे नजदीक आना चाहते हैं, लेकिन दरअसल ऐसा करके आप हमारे पास नहीं, हमसे और दूर जा रहे हैं। आप चाहे अपने आप को हमारे सामने जितना ताकतवर पेश क्यों ना करें, लेकिन हमारे दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो इससे बदल नहीं जाएंगे। मैं भारत का बेटा उस अलेक्जेंडर को अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। जो भी मेरे देश को सोने की चिड़िया समझकर लूटने आएगा वो अपने प्राण लेकर जाएगा। अपनी मातृभूमि की ओर प्रत्येक कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है पुरो, और हम तुम्हारे इस उद्देश्य में हर कदम पर तुम्हारा साथ देंगे पुरु। मैं तुम्हें वचन देता हूं पुरु कि मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। मातृभूमि की रक्षा में अभी समय है, पहले उस वचन को पूरा करना है जो मैंने अपनी मां को दिया था। अमात्य शिवदत्त के बंधन से उन्हें मुक्त करवाना है और अवराष्ट्र को स्वतंत्र करना है, और एक एक राज्य की ईंट को मिलाकर ऐसी दीवार बनानी है जिसे वो अलेक्जेंडर कभी तोड़ ना पाए, जिससे टकराकर उसका स्वप्न टूट जाए। Thank you.
मैं तुम्हारे लिए शुभ समाचार लेकर आया हूं, जिसे सुनने के पश्चात तुम्हारे देशभक्ति के उपदेश मौन हो जाएंगे। तुम्हारा पुत्र पुरु अलेक्जेंडर से युद्ध करते हुए मारा गया। इस यात्रा के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा पुरु, तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिलेगा और अमात्य शिवदत्त को उनकी करनी का प्रतिकार। हाला जी, पर ये कार्य सरल नहीं होगा। आज पौरव राष्ट्र में वसंत उत्सव है, आज वहां बहुत भीड़ होगी और कड़ी निगरानी भी। हमें एक कार्य सावधानी से करना होगा। पौरव राष्ट्र में प्रवेश करने के लिए हमें अपना वेश बदलना होगा। उसकी चिंता मत करो, मैंने तैयारी कर रखी है। तुम केवल मेरे मन के निकट ही नहीं, मेरी सबसे बड़ी शक्ति हो लाची, और मेरी शक्ति मेरे साथ हो तो मैं अमात्य से पूरे पौरव राष्ट्र को मुक्त करवाने का बल रखता हूं, और अपनी मां को भी। तुम्हारा पुरु लौट आया है मां, तुम्हें तुम्हारा अधिकार वापस दिलवाने और अमात्य द्वारा किया गया अपमान का प्रतिकार लेने। ऐसी भी क्या मुश्किल आ पड़ी थी कि शाही एशिया मेरे आने का इंतजार ना कर पाए। शाही रिवाजों को ताक पर रखकर खुद मलिका के हमाम में आना पड़ा। शौहर और बीवी के बीच में ना रिवाजों का पर्दा मायने रखता है, ना कोई वजह और ना किसी किस्म की दीवार। और रही बात वजह, तो मैं जानना चाहता हूं कि वो वजह क्या है जिसकी वजह से तुम मेरी मोहब्बत कबूल नहीं कर पा रही हो। तुमने मेरी फतेह देखी, मेरी दिलेरी देखी, पोरस की शिकस्त भी देखी, तब भी मैंने सब देखा। मगर अपनी फतेह के गुरूर में मगरूर शाही एशिया शायद कुछ बारीकियां नहीं देख पाए। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नहीं देखा रॉक्सेन। अपनी आंखों से पोरस की जान जाते देखी है मैंने, झेलम की लहरों में टूटती हुई लाश देखी है मैंने। बेशक
आपकी आंखों ने पोरस को डूबते हुए देखा, मगर शाह एशिया की नजरों से चाहे तक्षशिला अंबिराज का उतरा हुआ चेहरा कैसे छूट गया? देखा मैंने कि कैसे तक्षशिला की सुरक्षा के लिए आपने उस पुल पर धमाका किया। जी, जीत की खुशी में मगरूर होकर हार पहनने वाले अक्सर खुद हार का शिकार हो जाते हैं शाह एशिया। बंदी गृह पहुंचते ही मैं मां को उत्तर दिशा में ढूंढूंगा और तुम अपनी खोज दक्षिण दिशा में प्रारंभ करना। रुको, अगली बार सावधानी रखना। यदि पौरवराष्ट्र आने का अनुमति पत्र खो दिया तो पौरवराष्ट्र से बाहर फेंक दिए जाओगे। शांतवाद श्रेष्ठि, ये भूल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पौरवराष्ट्र से जाने का मेरा कोई मन नहीं। कहीं तुम्हें दो कटी हुई मछलियां दिखाई दी, एक दूसरे पर रखी हो, जैसे कोई कांटे का निशान बना। निश्चित है कि पूर्व पौरवराष्ट्र आया है। यह हम दस्युओं का एक दूसरे को सूचित करने का चिन्ह है। ये भूल दोबारा नहीं होगी, क्योंकि पौरवराष्ट्र से जाने का मेरा कोई मन नहीं। क्या हुआ मात्यताओं, आप किसे खोज रहे हैं? तुम्हारा संदेह उचित था, गुरु अब भी जीवित है और वो पौरवराष्ट्र में प्रवेश कर चुका है। को हमारा संदेश मिल चुका है लाचे, वो ये जान चुका है कि मैं जीवित हूं और पौरवराष्ट्र में हूं। अब हमें क्या करना होगा पुरु? हमें अमात्य को हमारा पीछा करने पर विवश करना होगा, ताकि उसे उसकी मौत का सामना करवा सके।
ये धोनी के वस्त्र हैं, अर्थात उन्होंने फिर से भेष बदल लिया है। अब वो किसी भी रूप में हो सकती है। जो जहां है वही रहेगा, जब तक मैं आदेश ना दूं कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चारों ओर फैल जाओ और ढूंढो उसे, मुझे वो हर मूल्य में चाहिए, जीवित या मृत। जाओ। अम्बी कुमार, हमें किसी भी तरह पता लगाना होगा कि उस दिन सेतु पर क्या हुआ था, अन्यथा ये मत समझना कि मेरा निशाना चूक गया था। ये छुरी तुम्हारे सीने के और पार हो सकती थी शायद तक्षशिला। अगर अब मेरे साथ कोई खेल खेला तो तुम्हारा खेल खत्म। कैसा खेल सम्राट? वही खेल जो तुमने मेरे साथ झूठ बोलकर शुरू किया। अब बताओ मुझे, उस दिन उस पुल पर क्या हुआ था? का तुमने किया था? आपका संदेह अनुचित नहीं सम्राट। उस पुल का विध्वंस हमने नहीं किया था। तो फिर वो कौन था जिसने मेरे और पोरस के बीच में वो धमाका किया? अमात्य को हमारे यहां होने का आभास हो गया है लाची। क्षमा आचार्य, तुम अगर मुझ पर प्रहार करने को सज्ज ना होते तो मैं तुम्हें क्षमा न करता। योद्धा को चौकन्ना रहना ही चाहिए। हमें शीघ्र ही मां के पास पहुंचना होगा। पुरु, तुम गलत दिशा में बढ़ रहे हो। अर्थात? तुम्हारे पौरव राज्य से जाने के पश्चात बहुत कुछ हुआ है, सब बताता हूं। अभी हमें यहां से निकलना होगा।
ये भी पोरस नहीं है। बेचैन ना हो शाह, तक्षशिला के बेहतरीन 10 गोताखोर उसे ढूंढने में लगे हुए। 10 क्यों है फेस्टियन? 100 क्यों नहीं? 1000 क्यों नहीं? मुझे आज का सूरज ढलने से पहले पोरस की लाश देखनी है फेस्टियन। जब तक तुम्हें जिंदा या मुर्दा ना देख लूं पोरस, तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। पोरस की लाश सूरज डूबने से पहले मिल जाएगी। अगर ऐसा ना हुआ इतनी लाशें बिछेंगी कि गिनती नहीं कर पाओगे शायद तक्षशिला। जाग गए अमात्य, तुम्हारी सेना को संसार से विदा किया ताकि नरक में तुम्हारा स्वागत करने के लिए सच रहे।